हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत बारी बहुत से इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और बहुत सारी बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी इस क्वेश्चन को पूछते हैं। सो ये क्वेश्चन बेसिकली एक बेस क्वेश्चन होने वाला है। इसके ऊपर भी वी विल डू कपल ऑफ मोर क्वेश्चन जो सेम ही होगा, बट यहाँ पे बेसिकली यू विल नीड टू नो द फंडामेंटल्स कि ये क्वेश्चन का बेस क्या है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू शुड बी एबल टू सॉल्व अदर वेरिएशन। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन भी हमारा हेलो डीएसए सीरीज का एक और पार्ट होने वाला है। सो जो नए हैं इस चैनल पे और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं दैट वी आर रनिंग अ हेलो डीएसए सीरीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सीरीज इज कि हम उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपलोड करने वाले हैं जो कि डीएसए बेस्ड होगा और मेजरली फोकस करेंगे इंटरव्यूज पे, जहां पे ये क्वेश्चंस बहुत सारे बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और गुड सर्विस बेस्ड कंपनी में पूछे जाते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉलो कर लेना एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऑफ डिफिकल्टी लेवल मीडियम। सो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सपोज एन एरे ऑफ लेंथ एन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर इज rotated between 1 and n times. Okay, for example, this is the given array might become this if you rotate 4 times. If you rotate 7 times, it will become this. So, ये तो बहुत सिंपल है। एक array दिया हुआ है, वो basically, let's say if you rotate this array once, तो ये जो 0 है, वो second position पे चला जाएगा, 1 है, जो third position पे चला जाएगा, and similarly, जो last element है, वो first position पे आ जाएगा। और बोला क्या है? Notice that rotating array, which is something like a of 0, a of 1, a of 2, 1 times, जैसे मैंने बताया, a of 0, a of 1, a of 2, will move by one position, और जो last element है, वो first में आ जाएगा, ठीक है? And given the sorted array nums of unique elements, return the minimum element of this array, okay? And यहाँ पे बोला you must write an algorithm that runs in order of log n time. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार इसको आईपैड पे समझ लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। सो ये इन्होंने हमें बोला कि वी विल बी प्रोवाइडेड विद एन एरे, ठीक है, समथिंग लाइक 1, 2, 3, 4, 5, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। ठीक है, सो दिस इज क्लियर कि ये सॉर्टेड होगा। बट यहाँ पे एक ट्रिक क्या दिया हुआ है, अभी राइट नाउ इफ यू सी वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। बट नाउ द ट्रिक इज कि ये एरे को हम रोटेट करेंगे। ठीक है, तो रोटेट कैसे करेंगे? लेट्स से इफ वी रोटेट वंस, तो ये जो एलिमेंट है इट विल गो टू सेकंड पोजीशन, ये एलिमेंट विल गो टू थर्ड पोजीशन, थर्ड एलिमेंट विल गो टू फोर्थ पोजीशन, फोर्थ एलिमेंट विल गो टू फिफ्थ पोजीशन, एंड देन फिफ्थ एलिमेंट विल गो टू फर्स्ट पोजीशन, राइट? सो आफ्टर वन रोटेशन आवर एरे विल लुक समथिंग लाइक 5, 1, 2, 3, 4। इसको भी इफ वी अगेन रोटेट, दिस इज 1, दिस इज ट्वाइस, इफ वी रोटेट इट ट्वाइस देन इट विल बी 4, 5, 1, 2, 3। If we rotate again, then it will become 3, 4, 5, 1, 2, right? So, आप देख सकते हो that rotation का मतलब यहाँ पे clear हो गया that we can move the elements by one position, right? So, in every rotation, all these elements will get moved by one position and then we'll have a updated array. But the question over here is कि ये array sorted तो है but rotated भी है, तो इसमें जो हमें find out करना है is the minimum element. What is the minimum element in the given array? ठीक है, तो वो अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। So, I hope question clear हो गया होगा, बहुत ही simple question है। बट सॉल्यूशन देखते हैं कि हाउ वी कैन रीच टू द सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं कि सॉर्टेड है और हमें एक एलिमेंट ढूंढना है, वो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो एक चीज क्लियर है दैट इफ एन एरे इज सॉर्टेड एंड इफ यू वांट टू फाइंड अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट देन इट वुड बी द फर्स्ट एलिमेंट, राइट? बट ट्रिक क्या है कि अब ये रोटेटेड है, तो दिस एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल नॉट स्टे एट द फर्स्ट पोजीशन, इट माइट बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द अदर लोकेशन, राइट? डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बार रोटेशन हुआ है। इफ इट इज रोटेटेड वंस इट विल बी प्रेजेंट हेयर, इट विल बी प्रेजेंट हेयर इन रोटेशन टू, इट विल बी प्रेजेंट हेयर इन रोटेशन थ्री, राइट? सो हमारा टास्क है टू फाइंड आउट दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम गिवन एरे। ठीक है, सो अब एक बार समझते हैं कि कैसे मिल सकता है। एक बार एक एरे लिखते हैं एंड देखते हैं उसका कुछ पैटर्न है क्या विच वी कैन आइडेंटिफाई एंड देन वी कैन पुट सॉल्यूशन ऑन। बिकॉज लाइक एक चीज तो क्लियर है क्वेश्चन से, अगर आप थोड़े टाइम से अगर डीएसए कर रहे हो, तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि एरे सॉर्टेड है और हमें एक लॉग इन सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो सबको पता है कि लॉग इन सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड बाय अ बाइनरी सर्च, ये तो क्लियर है, राइट? तो ये एक बेसिकली बाइनरी सर्च का एक क्लासिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ है। ओके, सो दिस बिलोंग्स टू अ बाइनरी सर्च। ये हमें कैसे पता चल रहा है? फर्स्ट थिंग, द एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोला गया है दैट वी वॉन्ट अ सॉल्यूशन विच इज लॉग इन। ठीक है, तो दिस इज अ बिग हिंट कि हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, बट हाउ, कैसे करना है, राइट? सबसे पहले वील ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। सो लेट्स से दैट वी हैव दिस एरे 4, 5, 1, 2, 3। ठीक है, दिस इज द रोटेटेड एरे एंड वी नो कि हमें ये एलिमेंट फाइंड आउट करके रिटर्न करना है, राइट? सो अगर बहुत ही नाइव वे होगा देन वी कैन सिंपली आइटरेट थ्रू दिस एरे एंड वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट? सो आप एक नॉर्मल फॉर लूप यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन कीप अ मिनिमम वेरिएबल। लेट्स से यू स्टार्ट विद फर्स्ट एलिमेंट, यू स्टोर 4 एज अ मिनिमम, देन यू चेक फॉर 5 एंड देन कंपेयर विद द मिनिमम। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 वी विल इग्नोर, वी विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। वी सी 1, 1 इज लेसर देन 4 विच इज नाउ अपडेटेड,
ठीक है, मीन को अपडेट कर देंगे, देन अगेन विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, टू इज ग्रेटर देन मिनिमम, थ्री इज ग्रेटर देन मिनिमम, सो अल्टीमेटली वी विल बी रिटर्निंग वन, बट इन दिस केस एज दिस इज अ नाइव सॉल्यूशन वी सी वी विल बी रिक्वायरिंग वन आइटरेशन विद विच वी विल बी एबल टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर वुड बी ऑर्डर ऑफ एन, जो कि हमें नहीं चाहिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सप्लिसिटली बोला गया वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन विच इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है, तो ये नाइव वे तो हो गया, लाइक एनीवन हु इज वेरी न्यू टू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एक तरीका है करने का. नाउ वी विल सी व्हाट पैटर्न डज इट हैव, कुछ पैटर्न है जो हम फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो एक चीज जो हमें यहाँ पे देखना है, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस array, कि ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न, सो वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, राइट, सो एक चीज तो क्लियर है कि इफ यू सी दिस array, वी कैन डिवाइड दिस array इन टू पार्ट्स, वन वुड बी दिस 1, 2, 3 विच इज सॉर्टेड एंड द अदर वुड बी 4, 5 विच इज सॉर्टेड अगेन, राइट, एज दिस एंटायर array was sorted and just because we have rotated this, ये इसके फॉर्म को खराब करता है, लाइक नाउ दिस array as a whole is not sorted, right, 4, 5, 1, 2, 3 is not sorted, but if we divide this array into two parts, then these two parts are sorted, so this is the first thing we can notice. Now let's see the pattern, ye one hack, right, this one is somewhere in between the array, jahan pe if you see the element at the left is greater and the element at the right is also greater, right, then we can see ki ye minimum element, kya ye true hai, like will this be always true, like for an element which is lowest among all the elements, kya wo ye property hold karega jiske adjacent element will always be greater, to answer hai yes, because let's take some other example, some other array, let's say 8, 9 and then 6, 7, theek hai, now this portion 6, 7 is sorted, this portion 8, 9 is sorted, original array would be 6, 7, 8, 9, theek hai, jisko humne rotate kar diya, theek hai, to now it looks something like this, to yahan pe bhi if you see the minimum element and the adjacent element to this are maximum, right, matlab greater than the middle element, right, so this property holds true that any element whose adjacent elements are greater, that means we can say that this is a element which is lowest among all the elements, so I hope ye clear ho gaya, to ab hum ek basic solution to laga hi sakte hain that we can check for these elements and then we can compare uske adjacent mein dono element usse bade hai kya, right, so following this pattern hum kya bol sakte hain ki agar ye element ke right mein koi aisa element hai jo greater hai, that means this would be lowest, or ye element ke left mein agar koi greater hai then this would be your lowest, right, because we know ki koi bhi aisa element hoga nahi agar ye sorted hai, agar koi portion mein if you are iterating and the array is sorted, to usually is element ke baad ke element greater honge, right, or like from any position, agar yahan se main स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, 4 के बाद 5 इज ग्रेटर एंड 5 के बाद ऑल ऑफ अ सडन वी सी अ स्मॉलर नंबर, विच मींस दिस हैज टू बी द स्मॉलेस्ट, राइट, जैसे कि हमने देखा कि लोएस्ट के एडजेसेंट एलिमेंट्स हमेशा ग्रेटर होते हैं, राइट, सो वन कंडीशन वी फाउंड दैट लेट्स से इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन एंड वी सी दैट दिस एलिमेंट इज लेसर दैन द एडजेसेंट एलिमेंट विच इज ऑन द लेफ्ट, देन वी कैन से दिस इज अ लोएस्ट एलिमेंट, एंड इफ लेट्स से वी आर स्टैंडिंग एट दिस एलिमेंट एंड वी सी द एलिमेंट एट द राइट ऑफ इट इज लेसर दैन दिस एलिमेंट, देन वी कैन से एलिमेंट एट दिस पोजिशन इज वॉट इज द लोएस्ट एलिमेंट वी कैन रिटर्न, ओके, सो ये एक तरीका हो गया देखने का, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, लाइक लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट अ एलिमेंट एंड देन यू डोंट फाइंड एनी एडजेसेंट एलिमेंट टू बी ग्रेटर, देन वी कैन चेक फॉर सम अदर कंडीशन, वॉट वुड बी दैट कंडीशन, सो यहाँ पे तो एक चीज क्लियर है दैट वी विल बी अप्लाइंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, राइट, सो लेट्स ट्राई टू डू अ ड्राई रन, ओके, सो इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, नाउ लेट्स से वी हैव अ लो एंड हाई पॉइंटर्स, ठीक है, बाइनरी सर्च में वी यूजुअली यूज टू डू दिस ओनली, राइट, एंड देन वी फाइंड द मिड एंड देन वी चेक फॉर सम कंडीशन, सो यहाँ पे भी विल डू द सेम, सो आवर मिड वुड बी व्हाट 0 + 4/2 विच इज 2, दिस वुड बी आवर मिड, ठीक है, तो अब मिड हमारा पॉइंट किसको कर रहा है, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, व्हाट वी विल सी फ्रॉम दिस पोजिशन, इफ दिस मिड इज लेस देन द मिड प्लस 1 देन वी कैन से दिस इज द स्मॉलेस्ट, और इफ दिस मिड इज लेस देन, सो लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट 1 एंड यू सी द एलिमेंट एट द मिड प्लस 1 इज ग्रेटर, देन वी कैन रिटर्न दिस मिड एज अ lowest element. Similarly, let's say you are standing at this position, okay, and you see that standing at mid, you find that element at mid minus 1 is lesser, then you can simply return mid minus 1 as your lowest, right, so ye bahut hi basic condition hai, you can check for this, like if you do a dry run you will understand ki any element whose adjacent are greater means that is a smallest element, theek hai, तो सबसे पहले ये दो कंडीशन चेक कर लेंगे नाइव वे में, लाइक आई शो यू ऑन द कोड ऑल्सो, लेट्स से कि ये सिचुएशन नहीं है, लेट्स से यू हैव दिस array 2, 3, 4, 5, 1, ठीक है, लेट्स से दिस इज द array, ओके, देन योर मिड वुड बी व्हाट, दिस वन, ये आपका मिड हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, राइट, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट हाउ वुड यू नो, सो हमें पता है बाइनरी सर्च में वी वुड रिक्वायर टू मूव दिस पॉइंटर्स, राइट, ये हाई और लो वी नीड टू अपडेट बेस्ड अपॉन द सम कंडीशन, सो लेट्स से दिस इज द array एंड हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि ये मिड के बेसिस पे ये आपका लो अपडेट होगा या हाई, सो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू चेक इज कि ये जो मिड वैल्यू है इफ दैट इज ग्रेटर दैन द वैल्यू एट लो पॉइंटर, सो इफ दैट इज द केस दैट मीन्स दिस पोर्शन इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट, आपका ये कब होगा, जब a ऑफ l
इज लेस देन ए ऑफ मिड, ये कब होगा? जब आपका ये पोर्शन सॉर्टेड होगा, ठीक है? इफ दैट इज, इफ दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड देन वी कैन बी श्योर राइट कि इसमें तो हमें मिनिमम एलिमेंट नहीं मिलेगा, राइट? देयर विल बी नो मिनिमम एलिमेंट, राइट? बिकॉज मैंने दिखाया था कि ये जो एरे है, वंस दिस एरे इज रोटेटेड वी यूज टू गेट टू डिफरेंट एरेज विच इज सॉर्टेड, राइट? नाउ इफ यू स्टे एट दिस पोर्शन देन वी कैन सिंपली से कि ये सॉर्टेड पोर्शन है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता. सो वी हैव टू मूव आवर लो पॉइंटर टू मिड प्लस वन. सिमिलरली यहाँ पे इन दिस केस वी विल अपडेट दिस लो टू मिड प्लस वन. सो योर एल विल गेट अपडेटेड टू दिस. क्यों? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी चेक्ड दैट एलिमेंट एट एल विच इज लो पॉइंटर इज लेसर दैन एलिमेंट एट मिड. ओके, सो विद दिस कंडीशन वी कैन अपडेट द लो पॉइंटर. लेट्स से वी हैव नाउ एरे दिस 5, 1, 2, 3, 4. This is our left and right pointer. Here mid would be what? 0, 1, 2, 3, 4. तो mid हमारा ये हो जाएगा 2, ठीक है? Now what we used to check? First we used to check if the adjacent elements are greater or not. So here standing at the mid, we first check if it is less than mid minus 1. Then only we can say this is the lowest, which is not the case. And standing at this mid, if we see that this is greater than mid plus 1, then we can say this is the lowest. And after that, we check if this portion of array is sorted. How do we do that? We just compare the values at L and M. Basically, they compare the values at pointer low and pointer mid. If the value at L is lesser than the value at M, then we can say this is sorted. But right now, this is not the case. Now, this is greater, this is lesser. That means this array is not sorted. Which means, ki apna jo low point, low value hoga, lowest value hoga, minimum value hoga, wo isi array mein lie karta hai. That means your high, basically the right pointer or the high pointer, whatever you consider, will get updated to mid minus 1. Now, this will get updated to mid minus 1, which is this. Theek hai? Now, from this position, again, we'll do the same thing. We'll do the binary search thing. We will find out the mid and then we'll compare. So, if you see, if we now consider the mid, mid would be what? 1, right? Now, this becomes your mid. Now, at this position, we will do what? We will see if it has any adjacent value wala condition, jo maine pehle bataya tha, right? If that is not the case, again, we'll update. So, right now, if you see, if you just compare that if this element is lesser than mid minus 1, that holds true. That means this is your lowest and you will return, theek hai? So, ye ho gaya basically identifying the pattern and then writing this code. Toh, main aapko ye code toh dikhaunga hi. Iske alawa ek aur easy code dikhaunga. जिसको फॉलो करके भी यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा. एक बार कोड देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का, हाउ कैन यू सॉल्व दिस. सो सिंपल है, लेट्स से आई टेक दिस एरे 4, 5, 1, 2, 3, ठीक है? तो यहाँ पे एक इंट्यूशन तो आपको समझ में आ गया, लाइक कंडीशन वाइज आप चेक कर सकते हो बाइनरी सर्च यूज करके एडजेसेंट एलिमेंट एंड देन विच पोर्शन इज सॉर्टेड, जो मैंने पहले दिखाया. एक और तरीका है कि लेट्स से आपको बस दो चीज का ध्यान रखना है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एरे गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सॉर्टेड एरे, राइट? तो हमें बस ऑलवेज वी विल बी लुकिंग फॉर कि इफ अ स्पेसिफिक एरे इज सॉर्टेड और नॉट. हाउ वुड वी डू दैट? तो लेट्स से हम फिर से एक लो और एक हाई पॉइंटर ले रहे हैं, ठीक है? लेट मी इंडेक्स दिस 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? नाउ आपका मिड क्या होगा? योर मिड विल बी दिस वन. ये हमारा मिड हो जाएगा. सो नाउ वी नो दैट वी हैव आवर मिड एट दिस पोजिशन, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं, वी हैव टू कंपेयर कि हमारा एक पोर्शन ऑफ एरे सॉर्टेड और नॉट. तो बेसिकली आपका मिड से लेके हाई तक यू जस्ट मेक श्योर कि ये सॉर्टेड एरे है क्या. सो हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन सिंपली चेक इफ द एलिमेंट एट मिड इज लेसर देन द एलिमेंट एट हाई, विच इज ट्रू, राइट? इसका मतलब दिस इज अ सॉर्टेड एरे. सो वंस यू नो कि ये पोर्शन सॉर्टेड है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली अपडेट दिस हाई एट मिड पोजिशन, राइट? क्यों करेंगे वो हम देखते हैं एक आइटरेशन के बाद विद अ डिफरेंट एरे. बट लेट्स से कि इफ दिस इज सॉर्टेड, वी विल सिंपली अपडेट हाई विद मिड, लाइक इट विल कम टू मिड, ठीक है? नाउ आवर न्यू हाई पॉइंट्स टू दिस एलिमेंट, ठीक है? नाउ वी विल चेक फॉर दिस पोर्शन. सो हमारा मिड क्या होगा? 0 + 2/2 = 1, ये हो जाएगा मिड, ठीक है? हमारा न्यू मिड हो गया, दिस इज द न्यू मिड, ठीक है? नाउ वी विल डू द सेम थिंग, वी विल सी इफ द एरे एट मिड टू हाई इज सॉर्टेड और नॉट. दिस टाइम इफ यू सी द एलिमेंट एट मिड इज ग्रेटर देन द एलिमेंट एट हाई, इसका मतलब ये एरे सॉर्टेड नहीं है. जब भी आपको सॉर्टेड नहीं मिल रहा है, देन उस केस में वी विल अपडेट लो विद मिड प्लस वन, ठीक है? सो दिस टाइम योर लो पॉइंटर विल कम टू दिस हाई, ठीक है? नाउ लो एंड हाई आर पॉइंटिंग टू द सेम एलिमेंट एंड वी शुड ऑलवेज स्टॉप वेन एवर योर लो रीचेस हाई और क्रॉसेज हाई, लाइक लो बिकम्स ग्रेटर देन हाई, देन वी कैन स्टॉप द लो एंड वी कैन सिंपली से दैट एलिमेंट एट लो इज योर लोएस्ट एलिमेंट, ठीक है? ये बेसिकली एक दो आइटरेशन करोगे डिफरेंट डिफरेंट एरे में, देन यू विल फिगर इट आउट कि ऑलवेज यू विल फाइंड आफ्टर द आइटरेशन गेट्स कंप्लीटेड, जो भी आपका लोएस्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी गेट पॉइंटेड बाई लो पॉइंटर. एक और सिंपल एरे से देख लेते हैं. लेट्स से
1, 2, 3, 4, 5 लेट्स से ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, हमें पता नहीं है, बट व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द सेम बाइनरी सर्च फॉर्मूला. सो लेट्स से हमारा एल एंड एच पॉइंटिंग द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, देन वी विल हैव मिड एट 3, राइट. तो हम लोग जब भी मिड मिल रहा था हम क्या करते, वी वर चेकिंग द एरे फ्रॉम मिड टू हाई इज सॉर्टेड और नॉट. दिस टाइम इफ यू सी दिस इज सॉर्टेड, राइट. तो जब भी मैंने बोला था जब भी ये सॉर्टेड होगा हम हाई को अपडेट करेंगे, और जब भी सॉर्टेड नहीं होगा हम लो को अपडेट करेंगे. तो हाई विल गो टू एट मिड पोजिशन, तो हाई विल बी नाउ पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट, ठीक है. नाउ फ्रॉम दिस पोजिशन मैंने क्या बोला था, वी विल अगेन डू द सेम थिंग, वी विल अप्लाई बाइनरी सर्च, वी विल फाइंड आउट द मिड. नाउ योर मिड विल पॉइंटिंग टू द सेकंड एलिमेंट, ठीक है. सो नाउ दिस बिकम्स योर मिड. नाउ अगेन वी विल सी इफ द एलिमेंट एट मिड टू हाई इज सॉर्टेड और नॉट, राइट. दिस पोजिशन इज सॉर्टेड और नॉट. सो वी सी कि ये सॉर्टेड है फिर से, देन अगेन योर हाई विल गेट अपडेटेड एंड विल गो टू द वैल्यू विच इज बीइंग पॉइंटेड बाय मिड. तो यहाँ पे अगेन विल अपडेट, सो वी विल अपडेट दिस हाई टू दिस एलिमेंट. नाउ अगेन अब हमारा जो लो है इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, हाई इज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट. हमारा मिड क्या होगा, मिड वुड बी 0 + 1/2 वुड बी 0, तो मिड वुड बी दिस. नाउ न्यू मिड ये है. नाउ अगेन वी विल सी that array from mid to high is sorted or not, which is 1 and 2, which is again sorted. Again, in case of sorted, your h should go to the position at mid. Like, aapka high jo hoga, that becomes mid. So, this will get updated. Now, high points to 1. Now, at this point, as I mentioned, right, ye loop kab tak chalega? Kab tak ye less than h hai. If it becomes equal to h or l becomes greater than h, we will stop. Now, at this position, when both are pointing to the same element, we have to stop. एंड मैंने क्या बोला था कि जब भी आपका iteration खत्म होता है एलिमेंट एट लो विल बी ऑलवेज द लोएस्ट. तो नाउ यू सी द एलिमेंट 1 इज द लोएस्ट अमॉन्ग दिस. सो हम इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है. आई होप क्लियर हो गया होगा. एंड वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द बाइनरी सर्च, लाइक वी ऑलवेज हैव लो एंड हाई पॉइंटर, वी कैलकुलेट द मिड वैल्यू एंड देन अपडेट द पॉइंटर्स एज पर द कंडीशन. तो मैं आपको क्विकली कोड दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ गया, वी आर फॉलोइंग द लॉग इन ऑर्डर, ठीक है. सो लेट्स सी द बोथ द कोड जहाँ पे वी विल बी यूजिंग बोथ द अप्रोचेस. जो भी आपको इंट्यूटिव लगेगा यू कैन यूज इट इन योर इंटरव्यू. सो ये रहा मेरा जावा सॉल्यूशन जो मैं पहले अप्रोच में दिखाया, जहाँ पे वी वर जस्ट कंपेयरिंग की एडजेसेंट वैल्यूज लाइक मिड माइनस वन और मिड प्लस वन ग्रेटर है कि नहीं, ठीक है. तो उस पे आते हैं, बट एक बार ये कोड देख लो. सो यहाँ पे वी हैव दिस मेथड फाइंड मीन, ठीक है, जहाँ पे वी यूज टू हैव टू पॉइंटर्स. यू कैन कंसिडर इट लो और हाई और लेफ्ट और राइट, ठीक है, जो भी, लाइक बेसिकली हमें बाइनरी सर्च करना है. देन द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग हियर इज वी आर चेकिंग दैट एलिमेंट एट लो और लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू एलिमेंट एट राइट पॉइंटर. तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में ही एरे सॉर्टेड है. दैट मीन्स वी कैन सिंपली रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट. अदरवाइज हम ये लूप चलाएंगे और इसमें हमेशा चेक करते, राइट, वी कैलकुलेट द मिड एंड देन वी कैलकुलेट, बेसिकली वी चेक फॉर द कंडीशन. अगर मिड इज लेस देन मिड माइनस वन, जो कि मैंने डेमो में दिखाया, राइट, अगर ये है देन वी कैन से दैट मिड इज द लोएस्ट. और इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन मिड प्लस वन, देन वी से मिड प्लस वन इज द लोएस्ट, ठीक है. आप ये डेमो के साथ कंपेयर कर लेना, आपको ये कंडीशन क्लियर हो जाएगा ज्यादा करके, ठीक है. अगर वो नहीं है देन वी चेक इफ द एरे इज सॉर्टेड. इफ द एरे इज सॉर्टेड वी अपडेट लो विथ मिड प्लस वन. इफ एरे इज नॉट सॉर्टेड वी अपडेट राइट पॉइंटर विथ मिड माइनस वन, ठीक है. ये एक बार डेमो के साथ कंपेयर करना, इट विल गेट क्लियर. एंड एट द एंड ऑफ दिस लूप यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट एट लो पॉइंटर इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द लोएस्ट एलिमेंट. सो ये कोड हो गया, ठीक है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट यू हैव टू बेसिकली ड्राई रन इट ऑन अ टेस्ट केस जो मैंने दिखाया विद दिस कंडीशंस. और यहाँ पे आई एम ऑल्सो चेकिंग फॉर द एज केसेस, लाइक हमारा ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आना चाहिए, इसलिए आई एम डूइंग दिस चेक हियर बिफोर कंपेयरिंग दिस मिड माइनस वन एंड मिड प्लस वन, ठीक है. तो ये उसके लिए आई होप ये समझ आया होगा, बहुत ही क्लासिक बाइनरी सर्च का अप्रोच है. लेट मी शो यू अनदर सॉल्यूशन. यहाँ पे देखो जो मैंने अभी बताया, राइट, कि वी विल जस्ट फॉलो द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. और ये कोड बहुत ही कंसाइज वे में आप लिख सकते. यू जस्ट नीड टू रन दिस लूप टिल लो लेस देन हाई एंड देन एक मिड कैलकुलेट करोगे, देन यू विल वेरीफाई इफ द एरे फ्रॉम मिड टू हाई इज सॉर्टेड और नॉट. बिकॉज ये कंडीशन वही है, राइट, कि आपका मिड का एलिमेंट अगर लेस देन हाई है दैट मीन्स वो पूरा का पूरा पोर्शन एरे का सॉर्टेड है. देन उसके समय हम क्या कर रहे थे, हाई को अपडेट कर रहे थे मिड पे, राइट, हाई को मिड पे लेके आ रहे थे. अगर वो सॉर्टेड नहीं है, मतलब आपका जो मिड है वो ग्रेटर देन हाई है, इसका मतलब आपका लो अपडेट होगा. लो किससे अपडेट होगा, मिड प्लस वन से, ठीक है. ये लूप एंड तक चलाओगे तो आपका एंड में जब भी जो लो पॉइंटर जो है वो जो भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो लोएस्ट हो, ठीक है. सो ये भी बहुत ही इंट्यूटिव है. एक बार आप वापस से एक दो टेस्ट केस में करना, ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि ऑलवेज दिस विल रन टू अ सॉल्यूशन जहां पे योर लो पॉइंटर वुड बी पॉइंटिंग टू द लोएस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. सो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए. आई होप आज कुछ नया सीखोगे. एक बार इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखना, ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और इसके ऊपर बहुत सारे वेरिएशन प्रॉब्लम होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो को एक दो बार देखना समझने के लिए. अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा. सो इतना ही था इस वीडियो के लिए. आई होप आप कुछ नया सीखे होगे. अगर सीखे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हेलो डीएसए सीरीज फॉलो करते रहना. बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.